नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका एट नेहा में। हम कर रहे हैं एनटीटी के प्रिपरेशन। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप भी कर रहे हैं एनटीटी के प्रिपरेशन तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन वो बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है और तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसी लगे तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। जब आप लाइक करते हैं तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद मोटिवेट भी होती हूँ और जो आपके लिए जो वीडियोस है मैं और ज़्यादा बना पाती हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस जो मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा चाहिए तो लाइक ज़रूर करें, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट जो है तो उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगी कि आप जो है 30 अबाउट 30 जो है स्कोर करेंगे मार्क्स, और तो अपने जो मार्क्स है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे चल रही है और जो मैंने आई थिंक जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संवेगों की यह विशेषता है कि, तो ऑप्शन है वे व्यापक होते हैं, ऑप्शन दो पूर्ण व्यक्तिक होते हैं, पूर्णतः व्यक्तित्व होते हैं, या तीसरा है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो व्यापक होते हैं ऑफकोर्स होते हैं, पूर्णतः व्यक्तिक होते हैं ऑफकोर्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग संवेग जो है टाइम पर आते हैं, या कभी कोई दुखी है तो कोई खुश है, कोई गुस्से में है तो कोई शांत है, और मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे अगर भय होता है तो पलायन आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संवेग की गिनती में नहीं आता है, तो कौन सा जो उनमें ऑप्शन है वो संवेग नहीं है। जिज्ञासा ऑफ कोर्स एक संवेग है, क्रोध भी एक संवेग है, जाति एक संवेग नहीं है, एंड भय भी एक संवेग है। तो ऑप्शन जो है हमारा जाति, वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगाव क्या है, तो लगाव आप जानते ही हो, एक माँ का बेटे के प्रति जो लगाव होता है, पिता का जो अपने संतान के प्रति, तो दादी का पोतो पोती ऐसे, तो बता सकते हैं। ऑप्शन है बुराई है, या कुछ कह नहीं सकते, भावनात्मक रिश्ता है, या उपरोक्त सभी। ऑफ कोर्स जो लगाव है वो एक भावनात्मक रिश्ता है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बालकों में सौंदर्य भूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, या साहित्य अध्ययन, या टेलीविजन, या खेलकूद। तो सौंदर्य की जो भूति है, अनुभूति है, वो तभी होगी जब बच्चा प्रकृति का जो है अवलोकन करेगा। इसका आंसर 1 मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्रोध तथा भय, तो ये एक संवेग के प्रकार में आते हैं। नेक्स्ट है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। थर्ड है स्नेह है या प्रेम या कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। आई थिंक मैं आपको थोड़ा टाइम कम दे रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि, तो क्योंकि मैं जैसे आंसर आई थिंक क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं उसी टाइम आंसर बता रही हूँ। चलिए तो अभी नेक्स्ट में भी ध्यान रख रही हूँ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में। तो आप अपना आंसर बताएं। तो उसका आंसर बता देने से पहले बताऊँ आपको कि सामाजिक कार्यों में वो व्यक्ति ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, वो मोस्टली स्वयं अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, स्वयं अपने में ही बिजी रहते हैं, किसी से जल्दी से बातें वगैरह भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICPCS का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन है समेकित बाल संरक्षण योजना, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना पहले आप आंसर बताएं।
तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, मतलब समेकित बाल संरक्षण योजना, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी अधिक भूमिका है, तो सरकार की, ऑप्शन टू विद्यालय की, माता पिता की, या बचपन की। तो उसमें पूछा है कि किसकी अधिक होती है, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है माता पिता की। नेक्स्ट है, बालक की छवि में जिसका प्रभाव पड़ता है वह है माता पिता, परिवार, संगति, सभी, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो उसका जो आंसर है वो सभी होता है, ठीक है ना, कि उसके जो माता पिता हैं वो किस प्रकार से उस बच्चे को रख रहे हैं, क्या उन दोनों में भी झगड़ा हो रहा है, या फिर वो प्यार से रखते हैं, या उसका देखभाल किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके परिवार में क्या है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, इस टाइप से उसकी संगति, वो अच्छे दोस्तों के साथ रह रहा है, बुरे दोस्तों के साथ रह रहा है, तो ये सब। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन है परिवर्तन, वृद्धि, अभिवृद्धि, या स्वास्थ्य, तो आप इसका आंसर बताएं। तो वृद्धि इसका आंसर नहीं है, अभिवृद्धि इसका आंसर नहीं है, ना ही स्वास्थ्य है। विकास का मतलब होता है परिवर्तन, चेंजेस, ऑप्शन वन आंसर ठीक है। नेक्स्ट है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या थर्ड है दोनों, या फोर्थ कोई नहीं, तो विकास जो होता है, चलो आप इसका आंसर बताएं। तो विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल जो विकास के बारे में जब पढ़ाया तो पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है, विकास है, विकास क्या है, विकास ए विराम वाली प्रक्रिया है, अविराम वाली प्रक्रिया है कि एक बार हो गई बस अब वापस होगी नहीं, या अविराम वाली की रुकती नहीं है बस चलती रहती है आजीवन, ये एक है कि कष्टदायक प्रक्रिया है, या डी उपरोक्त सभी। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा अविराम प्रक्रिया है, कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है, कभी रुकता नहीं है विकास, चाहे स्लो हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वृद्धि और विकास हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, क्योंकि जो विकास है वो वृद्धि और मतलब वृद्धि मतलब संख्यात्मक, मात्रात्मक, जैसे बच्चे का वजन कितना चेंज हुआ है, कितना बढ़ा है, उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन आया है, विकास है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ी है, बुद्धि को तो अपन माप नहीं सकते, तो इन दोनों का जो मिलाकर जो रूप है वृद्धि का और विकास, तो ये क्या है, एक एक दूसरे के पूरक है। अगर विकास हो रहा है तो जरूरी है उसकी वृद्धि भी हो, ऐसा भी नहीं है कि हाँ दिमाग तो काम अच्छे से कर रहा है लेकिन उसको कोई हाइट वगैरह भी बढ़ नहीं रही है, इसका जो वजन है वो भी नहीं बढ़ रहा, तो ये भी गलत है, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि संबंध है, घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में जो संबंध है वो घनिष्ठ है। प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होता है, अभ्यास, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, तो आप इसका आंसर बताएंगे। आई थिंक ये मैंने पहले वाले टेस्ट में भी इंक्लूड करा था तो आपको ऑफकोर्स पता होगा। तो अवांछित विश्राम, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति जो होती है वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, आई थिंक अधिक होती है, अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है, या कम होती है। तो जन्म के समय जो बालक की स्मृति है वो बहुत कम होती है, ठीक है, कि ऐसा नहीं उसने अगर जैसे बच्चा जन्म लिया उसने आपको देख लिया और उसकी फोटो जो आपकी जो फोटो है उसके दिमाग में छप गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम उसकी जो स्मरण शक्ति है वो कम होती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति,
अनुकरणीय प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, या फिर संचय की प्रवृत्ति? तो आप इसका आंसर बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व। आपने देखा होगा जी, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बच्चा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, या फिर मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं ऐसा कुछ, या फिर आप ऐसा क्यों कर रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति वो देख कर बहुत ज़्यादा सीखता है, ऐसी उम्र में वो देख के भी दूसरे जो क्या कर रहे हैं उन्हीं को देख के सीखता है। संचय की प्रवृत्ति, जैसे उसको टॉयज है तो टॉयज को ही मतलब यूँ कलेक्ट करना कि मेरे पास इतने टॉयज होने चाहिए, कुछ खेल रहा है जैसे कोई कार्ड्स खेलता है तो कार्ड्स को इकट्ठा करने लग जाता है, ठीक है, अगर बॉल से खेलता है तो वो बॉलें भी इकट्ठा करने लगे, कि जो प्रवृत्ति बन जाती है उसको। लेकिन बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट नहीं होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बातें करता है। अब बहुत कम ऐसे बच्चे मिलते हैं, आई थिंक रेयर केस होता है कि बच्चा कोई हो वो कम बोल रहा हो, वो भी बाल्यावस्था में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जो होगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है? शारीरिक अंगों का विकास, शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता का विकास, ग्रंथियों का विकास, या उपरोक्त सभी? तो ऑफ कोर्स अंगों का विकास भी ज़रूरी है, कार्य क्षमता भी उसका विकास हो जरूरी है, ग्रंथियों का विकास भी है वो भी ज़रूरी है। तो उसका आंसर हो जाएगा वो डी। गामक विकास की प्रमुख विशेषताएँ है इसका, गामक विकास, इसका विकास निश्चित क्रम होता है, यह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है, यह बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर बढ़ता है, या उपरोक्त सभी? तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, सारे विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है वंशानुक्रम, भौतिक वातावरण, वस्त्र या आहार। तो सारे विकास को जो प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि कपटता से कहते नहीं कि नहीं भाई अब तुम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया रुक जा नहीं, या फिर कोई कि तुम्हारा वजन जो है कम है बढ़ जा, तो वस्त्र का तो कोई काम है ही नहीं। तो वस्त्र होगा इसका आंसर। तो वृद्धि होती है आंतरिक ऊपर की ओर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या फिर बाह्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो वृद्धि जो होती है वो ऊपर की ओर होती है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में होती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो आप फिर से बता सकते हैं इसका आंसर, अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या कम? तो उसका जो आंसर होगा वो कम होगा। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण? तो विकास की जो प्रक्रिया है उसका आंसर आप बताइए। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा निरंतर, कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है अगर, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अगर आपने एक जो बॉर्नविटा का जो ऐड आता, आई थिंक आता भी है शायद, जब वो 5 साल का जो बच्चा है उसके बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन है 60%, 80%, 90% या 50%? तो उसका आंसर बताइए। तो उसका आंसर जो होगा वो 90%, ठीक है। उसमें ऐड में जो बताते हैं कि 5 साल तक के बच्चों का जो 90% जो ब्रेन का जो विकास है वो हो जाता है। नेक्स्ट है, शिशुवस्था में बालक होता है असामाजिक मतलब चोर, डुकेरा, लुटेरा वगैरह, या फिर कुछ न समझने वाला, मित्र वगैरह कुछ न मानने वाला, ऐसा कुछ, या फिर सामाजिक कि वो एक समाज में रहने वाला व्यक्ति है, सारी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो समझता है, या सामाजिक व असामाजिक दोनों, या न सामाजिक न और न असामाजिक? तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न तो वो सामाजिक होता है, ठीक है, ना तो शिशुवस्था है, छोटे से बच्चे के कोई फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर वो कोई घुल मिल जाता है, अपने सारे काम खुद ही कर लेता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ना ही असामाजिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। शिशुवस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता, या उपरोक्त सभी? तो उसका आंसर आप बताइए। तो उसका जो आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुकरण भी करता है, सहयोग भी लेता है, बिना सहयोग के बच्चा क्या करेगा, वो आश्रित तो होता ही है।
हाँ, किशोर अवस्था के उपरांत बालक में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी 206। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो आप इसका आंसर बताएंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा, क्योंकि किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें जो है एक शारीरिक, मानसिक और जो संवेगात्मक विकास है उसमें जो पूर्णता जो है, मतलब स्थिरता वगैरह जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती है या हो जाती है। अब नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यकाल का समय होता है तो 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो आप इसका आंसर बताएंगे? तो उसका जो आंसर होगा वो 6 से 12 वर्ष होगा, 12 वर्ष के बाद जो है किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो आप इसका आंसर बताएंगे, 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। तो जो सामान्य बुद्धि जो बालक होते हैं वो आई थिंक 11 माह के जो होते हैं तब बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बोलना से यहाँ पे जो मीनिंग लिया गया है वो ये है कि जैसे पापा, मामा, माँ या पानी को, तो ऐसे थोड़ा बहुत वर्ड बोलना सीख जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि फ्लुएंट बोल रहे हैं, कोई 2 घंटे तक लेक्चर दे रहे हैं वो वाला भी नहीं सीखते, कि हाँ बस थोड़ा बहुत बोल लेते हैं वो। आई थिंक 5 से 6 वर्ष तो नॉर्मली बोल ही देते हैं वो, तो खैर रटे हुए होते हैं तो एक वर्ड को भी वो बहुत ज़्यादा बार बोलते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। तो कैसे रहे आपका जो यह टेस्ट है, तो आप मुझे अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं। और कैसा लगा है ये मॉक टेस्ट, तो लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो अपने कमेंट्स हैं वो ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर मुझे रिलेवेंट लगेगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।